आप जानते हैं कि पोलिंग एजेंट कौन होता है, पोलिंग एजेंट क्या काम करता है और पोलिंग एजेंट कौन बन सकता है? हमारे यहाँ तो और बहुत सारे एजेंट होते हैं ना, स्टेट एजेंट भी होता है, उसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट किस्म के एजेंट्स होते हैं। तो मैंने कहा आपको ये भी बताऊं कि पोलिंग एजेंट क्या होता है। फर्ज कर लें कि एक हल्के में 30 से 40 पोलिंग स्टेशन है और एक पोलिंग स्टेशन में दो बूथ बने होते हैं, एक मर्दों के लिए बना होता है, एक औरतों के लिए बना होता है। अब ये बात तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही बंदा सबकी निगरानी करेगा, इस वजह से पोलिंग एजेंट अलग अलग जगहों पर अपना काम कर रहे होते हैं। अब लोग जानना चाहते होंगे कि पोलिंग एजेंट होता क्या है। बेसिकली जो उम्मीदवार होता है, जो भी इलेक्शन लड़ रहा होता है, उसकी आंख और कान होता है पोलिंग एजेंट। वो इस चीज़ की निगरानी करता है कि भाई इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफाफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अच्छा, ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि जो औरतें हैं उनके लिए कोई औरत होनी चाहिए पोलिंग एजेंट, जो मर्द हैं उनके लिए मर्द होना चाहिए पोलिंग एजेंट। क्योंकि होता अमूमन यही है कि भाई अक्सर जगहों पर हम ये देखते हैं कि लोग रो रो होते हैं, धांधली हो गई, धांधली हो गई, धांधली हो गई, इस वजह से सब अपने अपने पोलिंग एजेंट बिठाते हैं। अब उसमें भी डिपेंड करता है कितना पोलिंग एजेंट कितना पावरफुल है। इस वजह से देखा ही जाता है कि वो बंदे का सिलेक्शन किया जाए जो भाई सामने आ जाएगा, बोलेगा नहीं भाई ये क्या हो रहा है, मैं तो शोर करूंगा। और इनके पास हर सियासी पार्टी के पास अपने जो है वो तगड़े तगड़े पोलिंग एजेंट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पोलिंग एजेंट कौन बन सकता है, इसके लिए क्या काबिलियत चाहिए होती है, कौन सी डिग्री चाहिए होती है, मास्टर्स करना चाहिए या जो है वो बैचलर से ही काम चलेगा? नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। पोलिंग एजेंट का जो तायुन है, जो उसका सिलेक्शन है, वो उम्मीदवार करता है या फिर चीफ पोलिंग एजेंट ही करता है। और चीफ पोलिंग एजेंट भी जो है वो उम्मीदवार का ही लगाया हुआ होता है। वो उस चीज़ की सिलेक्शन करता है कि भाई ये बंदा जो है ये इस पोलिंग को देखेगा और वो हमें पल पल की खबर देगा कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। अच्छा जी, पोलिंग एजेंट का काम जब शुरू होता है वो ये होता है कि शुरू से लेकर वो देख रहा होता है कि भाई कौन कौन आया है। अब जब बैलेट बॉक्स आते हैं, सबसे पहले वो ये देखता है कि बैलेट बॉक्स सील है कि नहीं है, इनके अंदर पहले से तो ठप्पे नहीं लगे हुए, क्योंकि हमारे यहाँ ठप्पे पे ठप्पा बहुत चलता है। तो पोलिंग एजेंट जो होता है वो थोड़ा तगड़ा सा बंदा होता है, वो जाके चेक करता है कि भाई ऐसा है या नहीं है। इसमें तगड़ा होना बहुत जरूरी है, जो हमने देखा है। वैसे ये कोई शर्त नहीं है, ये हमने देखा है कि भाई पोलिंग एजेंट तगड़ा होना चाहिए, जिसको बड़ी मालूम हो वो घुस जाए भाई क्या हो रहा है, ये क्या पहले से डले हुए, तो ये तमाम चीज़ें वो चेक करता है। अच्छा, उसके बाद पोलिंग एजेंट के पास अपनी एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें वो देखता रहे कि कौन वोट डालने आ रहा है और कौन वोट डाल के चला गया, जिसे वो हाईलाइटर से हाईलाइट करता रहे कि भाई ये बंदा वोट डाल के जा चुका है। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, एक बंदा चार चार दफ़ा वोट डाल के जा रहा होता है, ऐसा माजी में हुआ है, आपका मैं नहीं कह रहा, लेकिन माजी में हमने सुना है कि भाई ऐसा होता है, या तो मरे हुए लोगों के भी वोट डल जाते हैं। तो इस वजह से पोलिंग एजेंट का ये काम होता है कि भाई चेक करता रहे कौन आया, कौन डाल के चला गया, कौन कितने बजे आया, कौन कितने बजे नहीं गया, वो सारी चीज़ों को अपनी मालूम रखता है। उसके बाद उसका ये काम जो होता है, आखिरी काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो ये होता है कि जब पोलिंग का अमल जो है वो खत्म हो गया, वोट डला गए, तो उसके बाद उन तमाम बैलेट बॉक्स को जो है वो हिफाजत के साथ लाया जाए और जो चार पांच पोलिंग एजेंट होते हैं उनमें से कोई एक रुक सकता है और वो ये देखे कि भाई जो गिनती हो रही है क्या वो शफाफ तरीके से हो रही है, उसमें तो कोई गेम नहीं हो रहा है। वो तमाम चीज़ें जो है वो पोलिंग एजेंट देखता है। अच्छा, उसके बाद जो भी रिजल्ट आया होता है जिस पोलिंग स्टेशन का, उसको जाहिर किया जाता है फॉर्म नंबर 45 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर जो पोलिंग एजेंट होता है उसका काम ये होता है कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है उसका दस्तखत हुआ हुआ फॉर्म नंबर 45 ही जाहिर करे। ये ना हो कि अपने तौर पर फॉर्म नंबर 45 ले आया, बोले हम लोग जीत गए, ऐसा नहीं होता। जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर जिस पर साइन करेगा कि हाँ भाई ये साइन हुआ है, ये बंदा इतने इतने वोट लिए, इस बंदे ने इतने इतने वोट लिए, वो तमाम चीज़ें लाना जो है वो पोलिंग एजेंट का काम होता है। अगर आप भी पोलिंग एजेंट बनना चाहते हैं तो किसी सियासी पार्टी से बात कर लें। बहुत सारे लोग आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं, बहुत से लोगों को शौक होता है ना कि जी हम भी जो है वो पोलिंग एजेंट बने और इलेक्शन में अपना जो है वो रोल प्ले करें। अच्छी बात है, करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो किसी आज़ाद उम्मीदवार से बात कर लें, मैंने पार्टी वाले तो खुद ढूंढ रहे होते हैं, बहुत सारी जो पार्टियाँ ढूंढ रहे होते हैं भाई कि मिल जाए, लेकिन तगड़ा बंदा, मैंने इस वजह से कहा ये शर्त नहीं है, बार बार बता दूँ शर्त नहीं है, लेकिन तगड़ा बंदा इस वजह से होना चाहिए कि इलेक्शन में इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं।